हेलो जी, हमारी बात क्या विकास से हो रही है? हाँ जी जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम अमेरिकन। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा, आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल, बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब कुछ अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए, आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, एक अपार हुआ हाँ, पूरा 4 किलो निकालना। हेलो, हाँ, वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से अमेरिका तो ले जाना है। हाँ, तो एक मिनट रुके, एक बार रुके गफार भाई, क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, उसको बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हंग गया, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग की ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? आज ही चाहिए तो ब्राउन निकालना। ठीक है ठीक है, एकदम भूरा कर देंगे इसको। क्या भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउनी खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते ना टट्टी? हाँ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हाँ सब लाइन में हगो, लाइन में हगो। देखिए अभी लाइन से यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो वो आपको ले जाना है आपके साथ में। हाँ, आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना ब्राउनी का है अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे पे यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बातें लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेगा ना। उनकी बातें पागल है क्या? यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे मतलब हग डर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे? पगले कहेंगे? अरे गरीब आदमी, आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। अजीत देवगन को भैया हमारी बड़ी वाली आंत बाहर आ रही है, बहुत कर दी। विकास जी क्या सबसे मतलब विकास जी क्या मजे? आप अकेले उठा पाएंगे तो 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है। नहीं, आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हग करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आ जा यार, हग कर ले, हग कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हग कर ले। समलैंगिक का है? समलैंगिक नहीं बे, रेडियो जो की आरजे प्रवीण, रेड एफ 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। अच्छा भैया, 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम। ले जाओगे भैया? किलो में कैसे देंगे, तो पतला किया सब लीटर में जोड़ना। हेलो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो नहीं। हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक वजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस माँ भी मार लेंगे। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो। हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का खा, अरे फिर, अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए खाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला, कलम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, फिर अगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, अंदर पेले है उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या अंदर पेले? डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन बैटोलिन डोपामाइसिन। हेलो। देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या क्या जी, हमने उनको गोली मार दी है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे
यार क्या अभी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली, मेरी गलती है अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं, बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक? अरे मजाक आप मजाक कर रहे हैं? ये हो गया है, जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब। देखिए जेल आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए आप, फर्जी बातें कर रहे हैं क्या? रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं नहीं। मैडम हम सब्जी वाला बोल रहे थे, पैसा वैसा बाकी है आप लोग देंगे नहीं क्या? इतना अमीर आदमी अब गरीब का पेट काट के हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। साहब आपको पैसा देते नहीं है क्या? हाँ देंगे देंगे कर रहा है ऐसा, लेकिन वो आदमी तो मेरे से डेली पैसा लेकर के जाता है। आपका हस्बैंड आपसे पैसा लेकर के जाता है हमको देने के लिए? मेरा चोर कहिया आदमी आपका हस्बैंड बोलिए भाभी जी। बहुत बहुत बड़ा कहिया, डेली पैसा लेकर जाता है। हमको बोला है कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी जो सासू माँ है उसका पाँव का ऑपरेशन होना है। झूठा आदमी है ये भाभी, इनका जरूर किसी और के साथ में चक्कर होगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ चोर आदमी है। हाँ भाभी हम बहुत बार देखे सब्जी मंडी में जाते है ना, ऐसे लड़की लोग को देखते हैं अगल बगल से, एक नंबर का भाभी वो चुप। आप रुक का है गए, बोलना चाहे ना बोलिए बोलिए। मेरा पति को बोलिए पैसा लेके जा रहा है, कुत्ता कमीना दे नहीं रहा है। भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो बोला आप सो गया है क्या? आप लास्ट स्टेज में मुझे या उसे? आप बोला कि उसके सर के बाल उड़ रहे हैं, टकली हो रही है, वो उसी के बाल नोच करके बताऊंगी। आदमी से आप शादी कर लिए? कसम से बता रहे भाभी, हम कैसे आदमी से शादी कर लिए? सब्जी वाला कुत्ता मुझे ही कॉल करता है। एक मिनट सब्जी वाला मैं अब हमको कहा है वो गाली दे रही है? पति को गाली दे रही हो साथ साथ में आपके लिए भी गाली निकल जा रही है। हाँ तो मेरे लिए मत निकाले ना भाभी, हम तो साफ सुथरा आदमी है, हम कभी भी आप पे गंदा नजर डाले तो बोले नहीं आपको। अबे क्या बोला आपने? अब की बार नजर डाली ना तो मारे कल पट्टी कर, समझा तुम? आपका पति बोलता आप तो मोटी हो गई है। मोटी हो गई है साले, उसको तो मैं बताऊंगी, रात में बताऊंगी, चढ़ के बताऊंगी कौन मोटा हुआ है कौन पतला हुआ है। आप चढ़ के बताएंगे? हेलो, दूध वाला बोल रहे थे, हमारा दुकान से दूध ले जाते ना भैया? हाँ बोलिए। अरे आपका जो पति है एक नंबर का कहिया कंजूस, क्या बोल रहे हो? 3 महीना से हमारा पैसा नहीं दिया है। पैसा दिया नहीं है तो आप गाली बकेगा? लेमन जूस आदमी आपका हस्बैंड, लेमन जूस संभाल के मेरे पति को बोला है ऐसा, तो लुल्ला आदमी है एकदम। आप लुल्ला आदमी है साले, मेरे पति को ऐसे बोलेगा? तो आप अपने पति को नहीं बोलती है कुछ? मैं बोलू बोलू आप कौन आते बोलने वाले? लैंग्वेज दीदी, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। लैंग्वेज सही की दिया समझे? नहीं दीदी आपकी लैंग्वेज सही नहीं है। मेरे पति को गाली दे रहे आप? अपने पति को गाली दे तो कुछ नहीं, हम अगर दो शब्द बोल दे तो आप इतना सीरियस हो जा रही हैं। कौन? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। सॉरी मैंने पहचाना। मैं हूँ आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, और आपके हस्बैंड के कहने पर ही हमने आपको मुर्गा बनाया है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को बहुत गालियाँ देती है। आपके हस्बैंड ने बताया उनको मारती भी है। आज तो आपके हस्बैंड की पीठ से पिटाई होगी। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, कौन बोल रहा है? सर आपकी कोचिंग कैसे चल रही है? सर बढ़िया चल रही है, स्टूडेंट्स वगैरह तादाद में सब बढ़िया है। अगर ये सब ठीक चल रहा है तो मुझको बताओ, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ महावरी सिस्टम एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन इट। कौन बोल रहा है? 5 नंबर का सवाल है, जवाब दे। हाँ जवाब तू आपको, जान खाली मेरी जान, फाइंड एक्स फाइंड वाई। अबे तेरा ठीक नहीं तो मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? हेलो सर, बदतमीज बोल रहा है सर? मैं बोल रहा था सर, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रोल। इस तरीके से कोई बात करता है क्या? ऐसे किताब से रट्टा मार के कोई भी टीचर। आप मेरे कोचिंग में? नहीं नहीं, आप कोचिंग वोचिंग छोड़ो ना सर, आता है आपको? नहीं नहीं, इधर उधर बात मत घुमाओ। CH3NH2 और C6H5NH2, ये बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? बताओ भाई सर, ये 10 नंबर का सवाल है, बोलो ना। फोन रखो, फोन रखो क्या, बताना जवाब। इतना पूछता खड़ा कर कर करके खबरदार फोन किया तो एक कंप्लेन 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 की धमकी सर किसी और को दीजिएगा सर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को बदतमीज लड़के साहब।
हेलो को तो चलते साइले सुन कौन बोल रहा है भाई बूढ़े भाई ला हेलो भाई कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तो ऐसे भाषा में पढ़ाते थे सर के ऊपर से चले जाते थे तो चार बार पूछना था ना देखिए इतना पढ़ा है ना बाउंसर चला गया सर से अभी तो मैं बाउंसर ही काम कर रहा हूँ एक क्लब पे आजकल तुम लोग करते क्या हो पढ़ते कहा तुम लोग नमस्कार टीचर जी ये रहा पहला सवाल आपके लिए ए टू जेड सेवन मैंने पढ़े ए बी एन सी अरे अब यू कूड़ा थे क्यों अंदर वेरी जेट रखिए फोन रखिए आप 100 में से 5 स्टूडेंट तो ऐसे का डीप निकलते ही है बदतमीज नहीं 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 सर मैं 6 में से आता हूँ 5 में से नहीं आता सर इस तरीके से हैरान कर तो एक लग रहा है कि सांस खत्म होने वाला अभी रख दीजिए हेलो हेलो सर अकाउंटेंसी रो अंको सर किस बुझते पड़ता सी ना सर अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता आपको पूरी खराब वाले सर पेंसिल सी भाई ऐसी भाई हमारे माथा खराब हो गया सर पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड मिस्टर डेनियल सर ये डेनियल कौन सर কেমন পড়ে আছেন আমাদেরকে एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर सर पार्टनर की কইবো सर পেটে খাবার জুড়ছে না এমনই অবস্থা হয়ে গেছে ফিক্সড এসেট স্পেনলেস পেটেন্ট ফাইল লেগস আর কিস তো বুঝতে পারতেছেন কেমন দেখতে পেটেন্ট কে সব পয়সা আপনার থেকে ফেরত নিতে হইবো मैंने सभी स्टूडेंट्स को बहुत ढंग से कंसंट्रेशन से पढ़ा है आजकल तुम्हारा ही ध्यान नहीं रहता है जब देखो तब इश्क लड़ाते रहते हो तुम लोग की कोई तसन सर इश्क इश्क किस को तसन सर अपना अकेला से बोल रहे हमने सब देखा है अपने आंखों से झूठ मत बोलो सर झूठ तो आपने कोई तसन ओहो ना अपने अंदर के ऐसा उल्टा पलटा कथा कोई तसन अंदर कैरेक्टर नहीं हटाना टनी करता सर सुना मेरा दिमाग खराब हो गया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं ये बोल रहा था सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज अरे रखो फोन यार नहीं बात कर रही हमको तुम्हारा साला पढ़ा के गुनाह किया है बच्चों को सर वी फील एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन अ क्लाउडी डे सर व्हाई जवाब बताओ आप फोन रख दीजिए जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कॉल रेड एफएम 93.5 की तरफ से आया और मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ आपको किसने ऐसी शरारत करने का कहा मतलब हमारे बताइए ना सर पहले जवाब बताइए ना सर वी फील एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन अ क्लाउडी डे वाई सर रखो फोन यार हेलो हेलो सर सर जवाब बताइए हेलो कोचिंग में जाना है टाइम हो गया बच्चा आके बैठे हैं हेलो हेलो रेड एफएम अगरतला हाँ जी अमरापाली से बात हो सकती है प्लीज हाँ जी मैं अमरापाली बोल रही हूँ कौन बोल रहे हैं नील बोल रहा हूँ रेड एफएम कोलकाता से आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं सैफ अली खान यस यू हर्ड इट राइट ओह माय गॉड ओके आई विल गिव यू दैट 4-5 मिनट्स टू टॉक टू हिम डायरेक्टली ऑन द फोन सो आस्क हिम गुड क्वेश्चंस ही वुड आल्सो टॉक टू यू absolutely so amrapali theek se I know you didn't get time to prepare and all that but still handle it properly because it's saif ali khan bollywood star okay main kaise are amrapali time nahi hai sun main jaldi phone hand over karta hu theek hai handle kar lena okay sir yeah our jock from agartala is there hey I am amrapali how you doing oh my god sir main bahut achhi hu aap kaise hain I just can't believe Hey यार आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में ओह माय गॉड सर मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि दैट आई एम टॉकिंग टू द सैफ अली खान यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ दैट आई एम टॉकिंग टू अमरपाली सो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर हे लिसन यार I'm here to talk about my new project, Red Captain. Red Captain, sir, मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था. Yeah, let me tell you, यार तुम्हारी translation बहुत सही है. कब British Council से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना. अभी मेरी और एक मूवी आई थी, Sky is Pink. लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और. Hey, listen, यार उसमें sky दिखाया था ना Sky is Pink में. हाँ तो यार मैं वो sky में sky diving कर रहा था इसलिए दिखा नहीं प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में मजाक कर रहे हैं सर आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन ए नील यार व्हाट इज दिस यार व्हाट सर अमरापाली क्या कर रही है तू तुमसे सुनो ठीक है एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल ठीक है सर प्लीज टॉक लाल कप्तान जो है ये रोल क्या है आपका इस मूवी में यू नो व्हाट आई लव ईटिंग वेज रोल सर क्या आप भी ए आर यू लाफिंग नहीं सर ए व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस You think it's no, fun? Sir. Hey, listen, Amrapali. This is not funny, yaar. I'm not going to talk to you, yaar. No, this is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, itta sorry mat bol. Amrapali, main RJ. Main Praveen bol raha hu, Red FM. Welcome to Red FM 93.5, Amrapali. Agartala.
हेलो सर, हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। हाँ बोलूँ। आपके घर के बाहर में ट्रांसफार्मर है एक। हाँ हाँ, तो आप ना सर कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच में हाँ? बाथरूम में मत जाइएगा। क्या ना? आपका जो बाथरूम है दैट इज ट्रांसफार्मर फेसिंग। ছমাস আগে যখন আমরা কাজটা করেছিলাম তো কি হয়েছিল, তো যখন আপনার ওই ট্রান্সফরমারে উঠেছি ওখান থেকে আপনার বাথরুম তো একদম ক্লিয়ারলি মানে বুঝতে পারছেন তো আপনি, মানে মতলব 6 মহিনে পেলে তো আমি কিছু দিখাই নেই দিয়া থা ওহা ট্রান্সফরমার সে, লেকিন 3 মহিনা পেলে যাব হাম লোক ট্রান্সফরমার পে উঠে থে তো হামনে দেখা থা স্যার, মতলব হাম বতা নেই সকতে আপ দেখেছিলি কি? হ্যাঁ, আপ গালি কেউ দে রে, তুই অন্যর বাথরুমে দেখবি কেন তাকিয়ে? নাই তো হাম তো আপকা বাথরুমে দেখনি নি গয়া, হাম তো ট্রান্সফরমার কে উপর চড়ে থে, তো এবারে এরর বাড়িতে দেখবি কেন? আরে ওহা সে দিখাই দে রাহা থা তো হাম কি দেখেছিলি? ওস টাইম ভি ও শিশা লাগাওয়া থা দিখাই নি দিয়া থা, কিন্তু তার 3 মাস আগে যখন উঠেছিলাম স্যার তখন যা দেখেছি, আর দেখেই বলছি স্যার কালকে আপনি 8টা থেকে 10টা। তুই কি সব সারা ট্রান্সফরমার সারাতে উঠে কি এসব দেখি? তাহলে কার বাড়িতে কি হচ্ছে? কি করব, ট্রান্সফরমার সে আপকা দিখাই দে তা বাথরুম না, তুমি কাজটা করবে না, তুমি ট্রান্সফরমার দিকে তাকাবে কেন? না তো আমরা তো আমি ইচ্ছাকৃত তাকাইনি আপনার ওখানে ভেতরে, আমাদের তো জানলা টানলা সব দেওয়া থাকে স্যার, আমি দেখেছি 3 মাস আগে। কি আপনার বাথরুমটা খুবই নোংরা আছে স্যার, আপনি এইসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই স্যার, আমি বলছি স্যার আমি অ্যাসিড বিক্রি করি, আমাদের অ্যাসিড বিক্রেতা কোম্পানি আমাদের বাথরুম ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের লোক, বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য স্যার আমরা ওই অ্যাসিড বিক্রি করি, তো আপনি নিলে স্যার খুব ভালো হয়, আপনার বাথরুমটা চকচক ঢুকতে দেয় না, তাহলে এইভাবে আমরা ফোন করি দাদা। মানে প্রবীণ বল রা, রেড এফএম 93.5 সে আপন মুর্গা বানা রহে থে আপকা। আরে সকাল সকাল কেন, মানে এইগুলো মানে সত্যি। हेलो जी, आप कल मेले में शूटिंग करने के लिए गए थे, आपने बलून फोड़े थे राइट? जी जी जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फायरिंग एकेडमी। ओके, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है क्योंकि कमाल की आपने फायरिंग करी, पहली जो है वो सेंटर में ऑरेंज बलून पर निशाना लगाया था आपने। हाँ लगाया था। उसके बाद जो ऊपर से 10 का कॉइन लटक रहा था आपने उस पर निशाना लगाया था। जी जी जी, जी सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो मैं एक मिनट रुकिएगा सीसीटीवी में थोड़ा सा फॉरवर्ड करो थोड़ा सा, हाँ ये जो तीसरा वाला शॉट आपने लगाया जो वो एक चाबी लटक रही थी आप ही ने मारा है? चाबी वाला मैंने, ब्लू जैकेट लाल टोपी राइट? जी जी जी, कमाल सर आपके मतलब आपकी फायरिंग बड़ी कमाल की है, बहुत हाथ साफ है, कहीं सीखा है क्या आपने? हाँ बस हो जाता है करते वैसे। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा और आगे देखने दीजिए वीडियो, ये तो मर्डर हो गया है, अरे तो मर्डर हो गया है। नहीं, मर गया ये, हमने किया। एक मिनट भाई साहब, आपसे चौथा वाला शॉट मिस हुआ था, चौथा वाला शॉट मिस होके गत्ते को पार करके पीछे का आदमी खड़ा था उसका आंख में जाके लगा, वो छटपटा के वहीं पे गिर गया, मर्डर हो गया भैया आपसे। नहीं हम नहीं किया होगा, वो हम ही होंगे। अरे भाई साहब आप ही की गोली है, साफ दिख रहा है सीसीटीवी में। अरे नहीं हम कल हम नहीं गए, कल कहाँ गए हम कल? भाई साहब आपसे मर्डर हो गया तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं गए थे? कल तो नहीं गए, कल नहीं गए, कल नहीं गए हम, कल नहीं गए। हेलो, ये आपसे कोई गोली चली और किसी की डेथ हुई है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े कमाल की बात, आपके लिए खुशखबरी है ये। क्या बोलना क्या? दरअसल जिस आदमी को आपके बंदूक वाली गोली लगी उस पर 10 लाख का इनाम था सरकार का। अच्छा। और 15 लाख का हमने हमारी तरफ से निकाल के रखा था। मैंने किया था सर। आपने किया था? जी मैंने जी, किया था। आपका पूरा नाम? गोपेश्वर राव है। और आपका ठिकाना बताइए? 26 रोड कलकत्ता। ए निकाल रे, गाड़ी उड़ी निकाल, निकाल, चल 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 गाड़ी निकाल, निकाल और आदमी ले लेना 5-6 डो ठीक है? अरे भाई साहब आपने जिस आदमी को मारा हमारी पार्टी का आदमी था ठीक है, मर्डर हुआ है आपसे और आपको अभी घर में घुस के मारा जाएगा ठीक है? गोली पहला गोली हम चलाएंगे। अरे तुम बैठो, पहला गोली हम चलाएंगे, भाई था हमारा जो मारा है। अरे नहीं थे, हम नहीं थे। अभी आपने बोला कि आप थे, अभी बोल रहे कि हम नहीं थे। कहाँ से बोल रहे सर, कहाँ से बोल रहे? बेटा तुम तो बहुत लंबे लपेटे जाओगे, पहले तुमने बोला कि नहीं मारा, फिर बोला जब इनाम सुन कि हाँ हम मारे हैं, अब बोल रहे हो कि हम नहीं मारे हैं। जीप निकाल रहे, जीप स्टार्ट कर। अरे बड़ा वाला बंदूक निकाल, नलकी वाला बंदूक हमको दे, चल। हम नहीं मारे सर, झूठ नहीं बोल रहे सर, हमने हमको छोड़ दिए, हम नहीं मारे सर। पहले बोल, बलून नहीं फोड़ेगा जिंदगी में सर। पहले बोल, जिंदगी में बलून नहीं फोड़ेगा हम, नहीं फोड़ेंगे सर, कभी नहीं फोड़ेंगे सर। बोल, फुला के भी बलून नहीं फोड़ेंगे मैं सर,
बुला के मेरे गलती से घर में बच्चे ने बंदूक वाली गोली से कौन मरता है भाई सर? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। हेलो जी, आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ। ओके, नाउ यू नो कि की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, पता चला। जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग। ये मौका आपको भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब क्या ये नहीं जी, हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में। शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था, लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़ी छोड़ी छोड़ी, कोई बात नहीं है आपके लिए। आमिर, आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, यानी कि लड़की वालों की तरफ से, ठीक है? एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, हाँ? उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई, मतलब क्या ही यार सवाल है, ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। क्या सवाल है, कैसे यार इतना? चलिए लड़के वाले की तरफ से की तरफ, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। सुना है, सुना है, सुना है। सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिर तरफ से और हम लड़की वाले। जी एक आखिर, एक आखिर, ठीक है, लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके ओके, लहू मुंह लग गया गाने में, दोनों है रणवीर एंड दीपिका दोनों है, तो जो लहू मुंह पे लगा वो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है? मजाक बना के रखा था ले, ओ पॉजिटिव था। अब बोल, सब से ऐसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जानकर कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या, पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे हैं भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। लेकिन वो सही था भाई, बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो, आपने .com में अपनी कोई प्रोफाइल रजिस्टर करी थी जॉब के लिए? हाँ हाँ सर, हाँ। आपको ये कोलकाता का राजा बाजार सिग्नल मालूम है क्या? हाँ मालूम है। हाँ, वहाँ की ना लाल बत्ती थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके, आपको वो पोल के ऊपर में चढ़ करके खड़ा रहना है। ये कैसा जॉब प्रोफाइल हो सर? आईसाइट आपकी परफेक्ट है ना? कितनी दूर तक आपको दिखाई देता है? नॉर्मली जितना लोगों को दिखता है। सो आपको पुलिस ऐसे हाथ दिखाएगा, आपको इशारे के साथ ही दांत निकाल करके खड़ा हो जाना है। अच्छा, फिर? और पुलिस जैसे हाथ डाउन कर लेगी, मुंह बंद कर लेना आपको। ये कैसा जॉब? वहाँ की लाल बत्ती खराब हो गई ना, और आप इतना गुटखा खाते हैं कि आपके दांत इतने लाल हैं कि दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब मजाक करना बंद करो यार, कहाँ से बोल? मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम सीरियस। ऐसा जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। इससे कितने लोगों का भला होगा आपको मालूम है? अरे खमखत, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं, आपके लाल दांत मतलब कमाल है, ऐसा लगता है क्या बताऊं? मेरा दांत लाल हो, हरा हो, आप से क्या मतलब है? नहीं, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो ये भी जानने को मिला, हमने आपको जॉब ऑफर करी आपके पूर्वजों के अच्छे काम देख करके, ठीक है? आपके पूर्वजों ने इतना अच्छा अच्छा काम करा है, सुनहरे अक्षरों से उनके नाम लिखे गए इतिहास के पन्नों में। मुझे तो नहीं मालूम था, जरा बताएंगे कहाँ कहाँ आपके पूर्वजों ने ये लाल किला लाल कैसे हुआ? मतलब लाल किला लाल कैसे हुआ ना? आपके पूर्वज जो है खा गए, कर दिए तो पूरा लाल लाल हो गया। क्या मेरे पूर्वजों को पकड़ के? नहीं नहीं, हम तो आपको जॉब ऑफर कर रहे थे। क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं? ऐसा जॉब कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता है लोगों को, काफी रेयर है। सुनिए, ये सरकारी जॉब है, इसमें टीए डीए और आपको गाड़ी भी मिलेगी। नंबर अभी ट्रैक करता। सुनिए, आपको आपको रस्सी भी मिलेगी जिसमें बांध करके आपको पोल के ऊपर में चलाया जाएगा, तो सेफ्टी भी आपकी बरकरार रहेगी। सेफ्टी का बात छोड़ो, तू कहाँ से बोल रहे वो बोल, मैं तेरे को अभी ये छोड़िए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप लोग आपका कमाल मालूम क्या है? ऐसे कसेट पड़ा था, आपने कसेट पड़ा था, कसेट के ऊपर में थूक दिया, उस टाइम में गाना निकल गया, मालूम कौन सा? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? तो कितना सैलरी लेंगे आप? अभी पुलिस पे कॉल करके नंबर दे दो। कहाँ? लाल बाजार में? तू लाल बाजार में है, ठीक है, लाल बाजार। लाल लाल बाजार भी आप ही बुला के रुक के दांत दिखा के तेरे पे हंसूंगा, ठीक है? लाल किला, लाल बाजार, लाल बगान। हेलो, हेलो, नंबर दे अभी तेरे को पुलिस।
दिखाता हूँ, लाल लाल तेरा पिछोरा लाल करूंगा मैं भी। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बनाया जा रहा है। अरे नवीन भाई सुबह सुबह क्या करते हो यार, मेरे को हेलो, आपकी जूते की दुकान है? हाँ जी। बहुत ही मजबूत टिकाऊ जूता चाहिए। कैसा चाहिए जी बताओ, ये नंबर को नीचे रखो है। कैसा चाहिए? हमारे बच्चे को मारने के लिए चाहिए था। मारने के लिए क्यों चाहिए भाई साहब? पढ़ाई लिखाई में ना एक नंबर का निकम्मा है, तो उसको मारने के लिए हमें ऐसे जूते चाहिए। हमें छह सात जोड़ी जूते चप्पल तो हमने ऐसे घर में फाड़ लिए उसको मार मार के। क्या बात कर रहे हो, गलत जगह फोन मिला लिया। हमारे ऐसे मारने के लिए जूते नहीं मिलते, अरे बच्चे को मारोगे जूते से है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बाप नहीं मारता अपने बच्चे को? क्या बात कर रहे हो भाई, सोच के तो बोलो कम से कम। अरे बच्चे हमारे, हम मारेंगे आपको क्या, आप जूते बेचिए ना। आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती? आप बोल रहे उल्टा की। एक मिनट आप हमको सद्बुद्धि तो दीजिए मत, आप अपने काम से मतलब रखे ना, आपको तो जूता बेचना है। भाई साहब बच्चे बदमाशी तो करेंगे, बच्चे होते ही बदमाश है। अगर भाई साहब आप मुझे बताओ कि स्कूल से आते के साथ ही कौन सा बच्चा खेलने के लिए चला जाता 2 घंटे? एक बात बताओ, बच्चा है खेलने नहीं जाएगा? दिन भर सारा दिन बच्चे करते हैं स्कूल में, पढ़ाई करते हैं, तो बाकी बच्चे 2 घंटे खेलेंगे? आप फालतू की बात हमसे करें ना, ठीक है? आप बहस कर रहे हैं हमारे साथ में। मैं काहे की बहस करूं, कौन बाप है जो अपने बच्चे को मारता है? चलो थोड़ा बहुत बच्चे को कभी कभार माँ बाप मार देते हैं, बट ऐसा कौन बाप होगा जो आपको मालूम है जूता घर में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, मैथ्स में बिल्कुल डब्बा गोल है बच्चे का, टीचर कितना समझाते लेकिन समझ में नहीं आता उसको। ये थोड़ी ना आप अपने बच्चे को जूते से मारेंगे। भाई साहब बच्चा मेरा है, मैं मार मार के उसकी खाल उधेड़ दूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब आपको पता है पुलिस पे अगर केस कर दें तो पुलिस जेल हो जाएगी आपको। एक मिनट, आप पुलिस वुलिस से हमकी तो हमें दाएं देना, हम खुद पुलिस से हैं। आप पुलिस से हैं? हाँ जी हम पुलिस से हैं। भाई साहब मेरे को एड्रेस दो आप अपना, मैं आपकी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे बाप अपने बच्चे को कौन मारता है? यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा बाप अपने बच्चे को मारता है? भाई साहब आप ही तो कह रहे हैं आप अपने बच्चे को मारते हैं, मैं मना कर रहा हूँ मत मारो अपने बच्चे को। अपने बच्चे के साथ में आप ये क्यों नहीं करते जब आप ये सद्बुद्धि मुझे दे रहे हैं? मैं नहीं मारता भाई साहब अपने बच्चे को। आपके बेटे का नाम सौरभ है। आपको कैसे पता? 8वीं कक्षा में पढ़ता है वो। भाई साहब आप बोल कौन रहे हो? 3 दिन पहले अपने बच्चे की पिटाई करी है। भाई साहब आप बोल कौन रहे हो, कौन हो आप? आपका बच्चा स्कूल से आकर के खेलने चला गया था, बोल करके आपने उसे बहुत मारा था। भाई साहब बोल कौन रहे हो आप, मेरे को ये तो बताओ, आपने मारा था नहीं मारा था पहले ये बताइए ना। नहीं आप मेरे को पहले बताओ कैसे जानते हो आप मेरे बच्चे? आपके बेटे सौरभ ने हमें सारी बात बताई है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? जब दुनिया को आप सद्बुद्धि दे सकते हैं तो फिर अपने बच्चे के साथ में उस चीज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हेलो, सॉरी भाई साहब। हाँ सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे जी। चलो जी ठीक है, थैंक यू। मैं क्या भाजी, अगर आपकी भी पेमेंट कहीं पे अटकी हुई है और बंदा फोन भी नहीं उठा रहा है तो दिल्ली के कड़क लौंडे आशीष को संपर्क करें, जैसे कि तरुण जी ने करा और बताया हमें अभिषेक जी के बारे में। तो हमने पेमेंट के बारे में क्या बात करी है, जरा सुनो, आप बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ ये अभिषेक भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो नोनू। हाँ दरअसल बात ये है भैया, वो पैसे पूछना 7464 रुपया है, वो कब लेने आ जाऊँ? देने तो आज ही आ जा, लेने है तो फिर भैया छोड़ ले मुझको आके। फालतू क्यों बात कर रहे हो, तरुण जी ने आपका नंबर दिया है यार। तरुण से मैंने साफ साफ बोल दिया नहीं ये पैसे जाने दे रहा। अरे भैया मेरे को तरुण जी से पैसे लेने हैं, वो मेरे को कह रहे हैं कि तू इनको फोन कर ले और तू अभिषेक से बोल ले अपना दुखड़ा वहाँ बता दे, क्योंकि ये आदमी मेरे को नहीं दे रहा है। जब मैंने तरुण को नहीं दिया तो तुमको क्या दूंगा भाई, हमारा खून पसीने का कमाई है। अरे भाई तो हम क्या करें, मेरे पास पैसे तो देने के लिए है नहीं, सीधी बात, लेने का सवाल ही नहीं उठता। भैया अगर ऐसे इतना है ना लेने का, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ और लास्ट में तुम्हारे को ही फोन मिला है, मैं अपना जान ले रहा हूँ और तुम्हारे लिए लिख भी मैंने चिट्ठा पहले से ही लिख लिया है। कटला दे, ए दे दे कटा, हमको क्षमा करना तू, इस आदमी से पैसा मांगा छोड़ दे, मट्टी में बेचती हुआ है, मैं मार लूंगा अपने आपको। हेलो नोनू, अबे क्या कर रही तूने? हेलो हेलो, अरे भाई तूने क्या कर लिया? मरा नहीं हूँ अभी, मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अबे थोड़ी वाली बात है, तो बंदूक कहाँ से लाया और तेरे को पुनः नंबर किसने दिया? हाँ नंबर बता तो रहा हूँ, तरुण जी ने आपका नंबर दिया है। तरुण को फोन कर और डरा के छोड़ा था बंदूक दिखा दिखा के, तो ऐसा है ये पैसे इलीगल है और दूसरा तुम लोग को फोन कर रहा है, बकवास कर रहा है। हाँ किसी का पैसा रोक लेना इलीगल नहीं है, बकवास मत कर, ऐसा ही दर्द करके गोलियां चलेगा। अरे अबे अबे गधे साले उल्लू, अभिषेक जी भाई एक सेकंड, सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई तरुण जी बहुत परेशान है यार, वो कह रहे हैं यार पैसे का कुछ करवा दो यार उनके। अरे यार तरुण को दे दूंगा भाई, आजकल के टाइम में अगर बाबूजी कोई चीज फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ वो है नवीन सहगल साहब। नवीन सहगल जी की जवान से निकले हुए शब्द, कहते हैं जवान है ऐसी वेस्ट हो जानी, ऊपर वाले के पास चली जानी है, कुछ बोल के निकल जाओ। बाद में किसने बोलने किसने सुनना है, तो चलो जवान जवान खेलते हैं, बैंड बजाते हैं।
हेलो नेताजी 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 वोट डाले अपने नेताजी को जिताए। बोल रहे हो भाई कहाँ? नमस्कार, मैं आप ही की आवाज बात कर रहा हूँ। आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल्ली की तरक्की के लिए आपका बहुमूल्य वोट बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सात आपका वोट बहुत ही जरूरी है। वोट कंप्यूटर नेताजी 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 नेता बोल लेना भी। हेलो नेताजी को वोट डाले वोट डाले वोट डाले। हेलो याद रखें। हेलो भागती दौड़ती दिल्ली कंप्यूटर वाले। हेलो आजा बाहर आजा तेरे को देता हूँ वोट। हेलो अरे हेलो गाली दे रहे हो यार। कौन बोले जी? हेलो गाली कैसे दे रहे हो? टिक 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 निकालो। अपनी दिल्ली को लेके जाएं आगे। नेताजी आप गुस्सा मत करिए, एक सेकंड। नेताजी आप गुस्सा मत करिए प्लीज, प्लीज। अरे ये गाली कैसे दे रहा है यार? तो सर गाली टिक 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 को भी दिए, मैं कर रहा था ना। नहीं, लेकिन मेरे को कैसे दे दी इसे? हेलो हेलो कौन बोल रहा है? कहां तू कौन बोल रहा है? मैं आप कौन बोल रहे हो जी? मैं अभी वही बोल रहा हूँ जो तुमको बता रहा था, दिल्ली को आगे लेके चलना है यार, वोट वोट डालो। तुम गाली दे रहे हो यार। भाई साहब वो मुझे तो सर गाड़ी में सारे गाली वाली नहीं दे रहा था यार। भाई साहब वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, कोई थोड़ा हल्का हल्का ऐसे गाली देते हैं। आपने ये मेरे इसको क्या कहा टिकी 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 को? वो तो मैं कह रहा था जी वो लड़का म्यूजिक अच्छा दे रहा है पीछे, इसे और वोटें आएंगी। लड़का कोई नहीं है, हम दोनों खुद ही कर रहे हैं। मैं इनका अनुज भ्राता हूँ, अगले साल मैं खड़ा होऊंगा। आप जरा ये टिकी 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 निकालो। अपने टिकी टिकी को क्या कहा मैंने सुना, जरा निकालना जरा। तेरे को तेरे घर से बाहर खींच के ले आएंगे हम, क्या बता रहे हैं तेरे को? अरे भाई साहब यार गलती होगी यार, आप ही का समर्थक हूँ। वो तो मुझे लगा कोई यार दोस्त मजाक कर रहा है। भाई साहब मैं वैसे ही डाल दूंगा यार, मैं तो आप ही का पार्टी का हूँ। नेताजी को वोट डाले अपनी दिल्ली को आगे लेके चले। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। हेलो दिल्ली के हेलो दो कड़क लौंडे आपका बैंड बजा रहे थे सर। यार कैसा? अरे यार वोट मांग रहे हो या बैंड बजा रहे हो यार, तुम कैसे हो? हेलो जी हम की तरफ से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर मनोहर पुजारी। ओके सो यू यूज्ड टू बी अ ग्रेट क्रिकेट फैन बट हमारे पास जो टैम रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार यू आर नॉट वाचिंग द इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज। हां एक्चुअली वो अभी पूजा चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बट यू नो अगर आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं देख रहे हो, उमेश यादव के 10 विकेट नहीं देख रहे तो गलत है ना। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मैदान पे इतनी मेहनत करनी, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपसे, हमें डिसअपॉइंटमेंट। आप समझ रहे हैं फालतू की बात तो कीजिए मैं तुम्हारे साथ देख लेता हूं। दो कौड़ी की बात हो गई ना, ये दो कौड़ी की बात होगी तो फालतू है। सर ये कैसे बात कर रहे हो आप, ये मतलब कैसे कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे एक फैन से बात करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फैन को चोट पहुंचनी चाहिए दिल में, है ना? अरे तो फैन को ठीक है, मेरा मन है यार, मैं बाद में देख लूंगा ना। आप ऐसे उल्टे उल्टे वर्ड की बोल रहे हो मेरे को। हमें शौक थोड़ी ना है कि हम आपको पर्सनली ऐसे फोन करके आपको बोले। यार मेरा मन है, मैं जब चाहे तब देख लूंगा। फैन मैं हूं ना, मुझे पता है ना कब देखना है कब नहीं देखना। आप कौन होते मुझे बताने वाले? जब देखना होगा मैं देख लूंगा। हेलो हाय दिस इज calling you on behalf of board of control in India. हाँ अभी मेरे को कॉल आया था पहले। हाँ या वेल यू नो द होल नेशन एक्चुअली wants टू नो फ्रॉम यू दैट यू नो आप इतना अच्छा क्रिकेट एक सीरीज हो रहा है आप देख नहीं रहे। चेज की बैटिंग देखिए, जेसन होल्डर को देखिए, फ्लेमिंग को देखिए, एंड्रयू कैडिक को देखिए, एंडी फ्लावर ग्रांट फ्लावर दे आर प्लेइंग सो वेल ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट इंडीज। आई एम सॉरी सर वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना घर पे, थोड़ा सा काम वाम था उसके चक्कर में। मैंने well, आपको मालूम ही नहीं है लांस क्लूजर हैज मेड अ कमबैक और शॉन पॉलक तो जो बॉलिंग कर रहा है मतलब पहले एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ अर्जुन पढ़ने बैठो, बोलो कहाँ से कबूतर? हाँ या टेल मी सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था सर इस वजह से। आई टोटली अंडरस्टैंड बट यार ठीक है सर मैं बोल रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं ठीक है ये ऐसा आपने वो वाले कोई बोला था मतलब नहीं देखूंगा मेरी मर्जी है तो कुछ करना है जो कर ले जा।
हेलो गुरु, जो ओपनर से खुले उसे कैन नहीं कहते, और त्योहार के समय में जो क्रिकेट नहीं देखे उसे फैन नहीं कहते। अरे कौन बोल रहा है? कौन कौन कर रहा, तुझको नहीं है ज्ञान? आज जो मैच टीवी में भी ना देखे वो कैसे जाएगा मैदान? ठोको ताली, एक मिनट को ताली ठोक रहा, पहले ताली ठोको गुरु, ताली ठोको जोर, ताली ठोको गुरु। हाँ और ताली कह देंगे, मैं ताली बजा दूंगा गुरु। बार बार कॉल करके तुमने यार मेरे, आप शब्दों का इस्तेमाल करके तो कर रहा है हल्ला, तुझ जैसे लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा बल्ला? ठोको ताली, खराब कर दिया क्रिकेट फैन मैं हूँ। इतनी अच्छी सीरीज चल रही है आप देखने, अच्छा नहीं लग रहा मैं बता रहा हूँ कसम से। यार क्या हो रहा है भाई, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, अपन मुर्गा बना रहे थे। बहुत गलत बात है। वेल इट्स फैंटास्टिक। हेलो, तेरा नाम दीपाली है जी? आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? तेरे चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? पर आप है कौन? आप मैंने क्या किया? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, तांत थी, शिफॉन थी, और गेंजा थी, लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैनिक्विन ने पहन रखा है? तो उससे प्रॉब्लम, तो उतरवा दी तुमने साड़ी? एक मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना? और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैनिक्विन बन के खड़े रहते हैं अंतरे लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरेसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में, आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी। पहली बात क्या है, दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है तू। आपका वो काम है ना, तो आपने मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा यार। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिगर भी नहीं है, तेरा दिमाग खराब। हाँ बोल ना, बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रायन लारा लगेगी। जो मैंने क्वीन की साड़ी निकाली उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रयू साइमन जैसे होट लेके घूमती है भाई। मत कर, मैं बता रही हूँ बार बार, तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता, तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फैमिली डूड? बेटा कि मैंने रखा, तुमने गालियाँ दी थी उसे, बहुत वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में वहाँ पे था, तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए, तो शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊं? बकवास किए चली जा रही है पूरी फैमिली, पागल है क्या? दादाजी देखिए, मैं आपकी उम्र को बेटा कर रही हूं। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी, आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना, चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, मैं तीन चार नाम बता दो। पागल खाने, ओ माय गॉड, आप लोग पागल खाने के लिए चले जाते। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किनके किनके नाम लिखना है? परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे बताओ, शादी कहाँ पे? दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड नाउ, प्लीज कैन यू जस्ट स्टॉप दिस मैडनेस, आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी, आप अपने पोते को समझाइए पहली बार। बेटा ये बिरजू की दुकान से तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे लग गए चुपचाप से दिमाग। अभी आई लाइन पे। हाँ बेटा थोड़ा और हंस क्यों रहे हो? मचा के रखा है यार, कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण यार प्लीज प्लीज इसे ऑन मत करो यार, वो क्या करते हो, क्या बेटा शादी कर लो बेटा। अभी इस मैनी को इनसे तो आके मिलूंगी। हेलो जी, हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस। ओके, जो फिल्में बनाती है राइट, हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह हिंदी, इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक, सो चार स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी, दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। नई मूवी में मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस, कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप? आप इसे गाली कैसे दे सकते? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हूँ ना, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यहाँ पर लोग ऐसे बात बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना
ये बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है, सो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। क्या मतलब, ठीक है, नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट ये क्या, ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी तब आप गाली दे देना। नहीं तब ऐसे बोलेंगे, तब तो ये भी बोल देंगे वो लोग। पासपोर्ट बनवाने के ये सारी गालियाँ नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है, वो आप ऐसे चल के आ रही सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी तो बोकी समझती है? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना फ्लैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले फ्लैग। हद्दी हो गई, आप ठीक है ना? मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी? मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली क्या, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे, 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर शॉप नहीं, इतना जो आप उछल रही है ना ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो, किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया एक सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही है, शक्ल देखी है आपने आपकी? हाँ, तो मैं हूं तो हूं। कौन से एंगल से बोल लगा देते? हेलो, गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में? ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत? दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था, बहुत मजा वजा किया था आप लोगों ने जिया जी। बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है जिया जी, आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई, साहिल नाम है एकदम आप पे गया जी। अबे साहिल में काहिल हो, साहिल पप्पू पप्पू दी के नी आज नमो नी मासी ना पापा बात। तो आप यहाँ आए थे जी? जी आप जीजा क्या ये पापा जी, ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। क्या सुनो, 1 मिनट प्यार से बात कर रहा हूँ, इतनी देर से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारे बात की? 1 मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। सुनो कल फूमता नमोचे पापा, पापा जो पति गिफ्ट 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 कौन है पापा, कानों का नींद नहीं दे रहा है जीजा जी। देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको, कुछ भी बोल दो मैं मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो CNA टेस्ट, सॉरी DNA टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए। देखिए बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तू चेक कर। जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। बेटा ले जाओ इसका खामका, इधर मैं खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता लो। सारे खानदान लेके बैठो क्या? एक बात बताओ संचेती जी, बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात को। 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानियां नहीं छोड़ता। अच्छा मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 की तरफ से, और हम आपका यार दिल की धड़कने बढ़ा दिया। हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं, बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करें और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर एक दबाएं। पहला मुहावरा है अपने किए किराए पर डैश फेर देना, पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है, ये कौन है? हेलो कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर, 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा लेकिन कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना, अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर।
अरे अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए कराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है? गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दाब तला बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से, अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा, मुहावरा की पहले बताओ दूंगा मैं से कौन है। एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे, मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, एक अनार कितने बीमार? एक अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं, 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए कराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे। हैं तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर, समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए। 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं? जल विभाग से, हाँ बताएं, क्या काम है? मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं, और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जैसे बताया, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मगे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए, देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना हमारे बच्चों। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे? टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए कराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे, अपने किए कराए पे पानी फेरा है कभी? करिए तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन बोल रहे हो तुम? मैं आरजे आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार, वो तो ऑन एयर होगी सर। हेलो मिस्टर विक्रम। यस, आपने में एक इंटरव्यू दिया था? ओह यस, द हेड एचआर एंड आई हैव कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। व्हाई सर? बहुत सारे कारण थे विक्रम, जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा आपकी एक्टिविटीज से लगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी। समझा नहीं सर। ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहां पर आप थंबप्रिंट देते हैं हर दिन? मतलब थंबप्रिंट देते हैं ना, थंबप्रिंट देकर के आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं हर मेल में PFA लिखते हैं आप। इसका क्या मतलब? That shows that how lazy you are. 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए सर? What did you achieve? क्या होता है? But for your kind information sir, I have been the employee. ये for your information से भी हमें याद आया। ये जो आप मेल पे FYI लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए? लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं। हेलो विक्रम। यस, जहाँ पर इंटरव्यू दिया आई होप वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? नहीं लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं ऐसा हमें लगता है। अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम चोर हूँ। हेलो। दो सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद एक दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है, हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं।
राजेश शंकर गुप्ता गुप्ता। अच्छा जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार, कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्किल है मेरा और क्या बोले तुमको। कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण, नहीं कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे। हम आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं। हेलो हेलो सर, मैं वो दो सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो दो कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? आप थे वो बहुत थे, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए। सर एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए है अब। फिर से तुम लोग? हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन सी जीत के लिए था? Hello. Hey, I'm Mark. Mark. Yeah, my full name Mark. Is Identification Mark. तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आर्जुन नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? We are calling you from Facebook. Sir, congratulations. आपने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है। थैंक यू। Facebook पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी 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 बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को शुजॉय, ट्यूजडे को बिपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है, ये मंडे ट्यूजडे क्या कर क्या रहे? ये एक एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें इन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक एक दिन। अरे क्या यार ऐसा कहाँ होता है, मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 40 दिन शेयर करनी? नहीं तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना? अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ कहीं और फैलाओ, ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ना मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा, मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ, तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम बेकार की बातें मत करिए, अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ, मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेकार की बातें ना करो, वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए कैब ले लो ना यार, मेरी गाड़ी क्या वो जनरा छोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो। हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया, अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। अरे हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा है ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था हमको पता है।
हेलो। अरे क्या हेलो कर रहे हो, नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे फुल एक तरीका होता है, कोई नाम वाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी है, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन कर करके गाड़ी दे दो, गाड़ी से आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोगों को टैग कर दिया भाई, क्या मतलब? मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था यार। ये तो सारे लोग आप ही के थे? हाँ सर, हमारे ही थे, सारे बेरोजगार है। গাঁটের গুলি অব্দি ফলেনি আমার। সব চাট আমার করা আমার গুলি কোথায়? সব গুলি কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি একটা কথা শুনুন, আপনি আর কিছুদিন চালান, তারপরে যদি না হয় তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন। আপনি এক মাসের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, এখন 1.5 মাস হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে একটু পরে আবার ফোন করছি। না কেন আপনি ফোন করবেন, আগে আবার উত্তর দিন, আমার গুলি কোথায় গেল? আমার এখন এখানে জিমের টাইম তো এখন খুব অনেক লোকে জিম করতে, আমার 1.5 মাস টাইম চলে গেল, আপনি এখন আপনার জিমের টাইম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ 1.5 মাস টাইম চলে গেলে ঠিক আছে, আপনি একটু তো ধৈর্য ধরবেন। শুনুন, আপনি যদি আমার বডির গুলি না বেরোয় আমি কিন্তু অন্য গুলি দেখাবো আপনাকে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার একটু পরে ফোন করছি। পরে ফোন করছেন, এখন আমাকে ক্লিয়ার করুন। আপনি অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, গালাগালি করলো। হ্যালো, নমস্কার। আপনি কি পলাশ বাবু বলছেন? হ্যাঁ পলাশ বাবু বলছি। একটু আগে আপনাকে একটি ছেলে ফোন করেছিল, আমি তার, হ্যাঁ ফোন করে খুব রাগারাগি করছিল, আমি তার কাকা বলছি। আপনি ওকে গালাগাল করেছেন একটা জিম ইনস্ট্রাক্টর হয়ে? এটা আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। 1.5 মাস বলেছিলেন, 1 মাসে ওর নাকি বডি ফিরবে, তারপর 1.5 মাস বাদেও যখন ওর শরীর ঠিক হচ্ছে না আপনাকে ফোন করলে আপনি তা বলে গালাগালি করবেন? মানহানির মামলা করে দেবো। ওকে গালাগালি করতে চাইনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে রাগারাগি করে চেঁচামেচি করছিলেন, আমি ওনাকে বলছিলাম প্রথমে যে আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছেন, আপনারা বলেছিলেন 1 মাস, তারপর এখন 1.5 মাসের পর আপনি বলছেন ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করবো। আপনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, আমি একটু চাপ খেয়ে গেছিলাম, চাপ খেয়ে মুখ থেকে আপনি 1.5 মিনিট সহ্য করতে পারলেন না, আর বাচ্চা ছেলেটা 1.5 মাস ধরে কি রোগ্রাণ রোগেছে জানেন, যেখানে যা পেরেছে ধরে ঝুলেছে, যদি একটু গুলি বেরোয়। হ্যাঁ আপনি গুগলি দিচ্ছেন এখন, গুগলি বলুন কি না স্যার কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন না, এটা আপনাকে আমিও গুগলি দিলাম। নমস্কার, আমার নাম কাঞ্চন মল্লিক। পলাশ বাবু আপনি চাপ নেবেন না, গুগলি সিনেমা আসছে, আপনাকে একটু আমি একটু মুরগি করার জন্য ফোন করেছিলাম। সবার গুলি ঠিক আছে বুঝলেন, শুধু টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে গুগলি ছবিটা দেখবেন। না না ওটা কিছু না, ওটা তো চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায়, ওটা ছেড়ে দিল, আবেগ আবেগ, গুগলি দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। हेलो, मेरा नाम रॉबर्ट है, फिफा से बोल रहा हूँ। ट्रॉफी अभी आई है ना कोलकाता में, ट्रॉफी आई है आपके। आपने फीफा की ट्रॉफी के साथ में पिक्चर क्लिक करी है? और आपने फेसबुक पर अपलोड भी किया पिक्चर को? आप वो फोटो डिलीट कर दीजिए। क्या डिलीट कर वो? फोटो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर में बहुत बड़ा फाइन लगेगा। আমার বন্ধুরা তো লাগিয়েছে, ওদেরকে তো ফোন করে আপনি বলেননি, আপনি আমার সবাইকে বলা হবে। চুপ, আমি সরাবো না। এক মিনিট, তুমি ফুটবল বহুত দেখতে হো? 5 জন ফুটবলার কা নাম বাতাও জো আন্ডার 17 মে খেল রা হ্যায়। সব জানি, রোনাল্ডো, মেসি, জিদান, আর বাপি বাপি বাপি। আই অ্যাম এ গোল্ডেন ম্যান, ইউ আর মাই গোল্ডেন ফ্যান ফ্যান। আর মারাদোনা, ফোন কে অন্দর মে ঘুস কে তুমকো মার দেঙ্গে, সমঝা? কেন? আন্ডার 17 মে ইয়ে খেল রা হ্যায়। আরে প্লেয়ার এর নাম তো দিয়েছি। কোন সা ফুটবল কা গেম দেখতে হো? আমি তো দেখি ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ। 5 ক্লাব কা নাম বাতাও তো জো খেলতা হ্যায় ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগ মে। আরে ম্যাড্রিড, তারপর তোমার ম্যাড্রিড, তারপর স্প্যানিয়াল, বার্সেলোনা, ব্রাজিল, ইতালি, পর্তুগাল।
अद्भुत 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 खेल आपका $1200 का फाइन लगेगा। 1200 फाइन। फोटो हटाओ तुम्हारा, फोटो हटाओ। हेलो, तुमको पता है तुम्हारे ऊपर क्या केस लगा है? आपने क्या बोलते हैं? थाना तक बोलची। कौन थाना तक? जब डंडा पड़ेगा ना लाइन पे आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर $1200 का केस है, तुमको पता है? गाड़ी रेडी है सर, डंडा डाल ले। क्षमा करो सर, रस्सी लो। कितने आदमी ले सर? चार आदमी ले लो, एक हवलदार ले लो। अरे इसके लिए दो आदमी काफी है। बड़ा वाला डंडा लो, देखो मार के लेके आएंगे। भूलेंगे सर, अरे मारो उसको, मारो। वो भी है, वो भी किया था फोटो अपलोड। हमारे कथा सुनो तो सर, मार फोटो अभी तुम नीचे उतारेगा कि नहीं उतारेगा? फोटो अखो नहीं नामी नीचे। और साथ में $1000 का फाइन देगा हमको। ये दे भाई, चूर के लावे भाई। एक नहीं है ना, फोटो नीचे उतारेगा तुम। बाबे बाबे भाभी, मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे हम लोग। की क्वेश्चन की कहना यार की बात से? अरे नहीं, सीरियसली मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। दादा खोमा गोरे जिंदा। एकदम ताजा खबर आ रही है पीयूष जी के घर से। जी, इन्होंने डीडीए का फॉर्म भरा था। हाँ। अब डीडीए का तो फ्लैट निकला नहीं, लेकिन वो जो पैसा था ₹10,000, वो अभी अभी अकाउंट में रिफंड हुआ है। और बहुत चहक रहे हैं ₹10,000 देख के। तो चहकने वाले का